क्वेश्चन नंबर 51, ताजे फल में 68% पानी है और सूखे फल में 20% पानी है, तो 55 किलोग्राम ताजे फल से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो फ्रूट में दो चीज़ें होते हैं, एक आपका पल्प और एक वाटर। ठीक है, तो वाटर इसमें 68% है, मीन्स पल्प है 32, उसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया कैंसिल करके 17 और 18। जब वो सूख गया है तो सूखे हुए फल में 20% पानी यानी 80% क्या होगा, पल्प होगा, उसको भी हमने सिंप्लीफाई कर लिया 1 और 2। अब जो भी वेपोरेट हुआ है यानी जो चीज़ सूखी वो क्या है, पानी है, तो पानी का रेशियो अलग हो सकता है लेकिन पल्प तो सूखा है नहीं, तो पल्प का रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पे 8 था, यहाँ पे 4 था, तो हमने क्या करा, जो भी चीज़ हमारी कांस्टेंट होती है इस तरह के क्वेश्चन में, मिक्सचर टाइप में या फ्रूट में, तो उसमें जो चीज़ कांस्टेंट होती है उसको सेम बनाते हैं, तो इसको हमने 8 बनाया, तो ये आपके पास 17 हो गया, ये 2, 8 और 8 हो गया। ठीक है, अब इसने बोला है कि जो फ्रेश फ्रूट था वो 55 किलोग्राम था, लेकिन आप देखो कि आपके पास कितना आ रहा है, 25 आ रहा है, तो 25 यूनिट बराबर हो गई 55 के, और हमें निकालना है कि सूखा फल कितना है, तो सूखा फल 10 आया, तो 10 की आप निकाल दोगे तो आपके पास आ जाएगा 22 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 52, एक व्यक्ति की आय 48 रुपये बढ़ जाती है और आयकर की दर 12 से 10% हो जाती है, लेकिन आयकर पहले के बराबर ही, यानी वो जो टैक्स पे कर रहा है वो दोनों क्या है, इक्वल ही है, और दोनों ही सिचुएशन में 20% आय जो है वो टैक्स फ्री है, तो आपको ये बताना है कि व्यक्ति की करंट इनकम यानी वर्तमान आय कितनी होगी। ठीक है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं उसकी इनिशियल सैलरी होगी एक्स। अब एक्स में से 20% तो टैक्स फ्री है, यानी टैक्स किस पे लग रहा है, 80% पे, और इस 80% पे कितना टैक्स लग रहा है, 12, तो ये हो गया वो जो टैक्स पे कर रहा है। ठीक है, अब उसकी सैलरी 48 रुपये बढ़ जाती है, यानी अब होगी उसकी सैलरी ये, इसमें भी 80% पे ही टैक्स लगेगा और उस पर वो कितना टैक्स दे रहा है, 10%। ठीक है, तो ये भी वो कंडीशन है जो वो टैक्स पे कर रहा है, और ये दोनों जो कंडीशंस हैं दोनों ही बार जो टैक्स पे कर रहा है वो इक्वल, तो यानी ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, यहाँ 80 से 80 कैंसिल, 12x, ये 10x यहाँ आ जाएगा, और इसको आप इसके निकालोगे तो ये 480 आ जाएगा। ठीक है, इसको सिंपलीफाई कर लिया तो हमने एक्स निकाल लिया यानी उसकी इनिशियल सैलरी निकाल ली 24,000, और अब उसकी सैलरी में 4800 का इंक्रीमेंट हो चुका है, तो यानी उसकी करंट सैलरी होगी ये। ठीक है, नेक्स्ट 53, 53 क्वेश्चन जो है सेम है, अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा कट करना बताऊंगी कि आपको कट क्या करना है। इसमें दे रखा है कि एक व्यक्ति की आय 1800 रुपये बढ़ जाती है, उसका आयकर 18 से 15 हो जाता है, दोनों ही स्थिति में 29.95 आयकर मुक्त है, तो उसकी पारंपरिक आय क्या होगी। अब स्टूडेंट्स ये इसमें निकालने लगेंगे, जैसे हमने उसमें निकाला था कि 20% फ्री थी तो 80 पे वो टैक्स दे रहा था, आपने ध्यान दिया होगा इस साइड से भी 80, इस साइड से भी 80 क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाते, तो आप उसको बेशक से कैलकुलेट मत करो, अब आप इसको 100 में से माइनस करोगे, ठीक है, तो वहाँ पर टाइम वेस्ट होगा, जबकि वो होना क्या है, कैंसिल ही होना, तो उसको हम नहीं रखेंगे, तो एक्स का 18% ये सैलरी बढ़ी उस पर 15%, इसको सेम आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपके पास एक्स आ जाएगा, तो ये होगी उसकी इनिशियल सैलरी, इसमें इनिशियल पूछी थी और लास्ट क्वेश्चन में आपकी करंट पूछी थी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, आप ये खुद करने वाले हो। क्वेश्चन नंबर 55, दिस इज क्वेश्चन नंबर 56, 55 में भी लास्ट में, क्वेश्चन नंबर 56 है, एक बाप अपने दो बेटों को मासिक आय का 1% देता है, जितना देता है उसका 80% बड़े बेटे को मिलता है और उसमें से वह 80% खर्च कर देता है, तो उसकी मासिक बचत 20 रुपये रह जाती है, तो आपको फादर की सैलरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हमने मान लिया भी फादर की सैलरी कितनी है, 1000 रुपीज़ है। ठीक है, अब 1000 का 1% यानी
10 रुपये वो अपने दोनों बेटों को देता है, ठीक है। बड़े को क्या मिलता है? इनका 80%, यानी 10 का 80%, यानी कितना मिला? 8 मिला, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या कह रहा है? जो एल्डर पर्सन है वो इसका 80% खर्च करता है, 8 उसको मिला और 8 का 80% खर्च करता है, यानी कितना खर्च करता है? 6.4, और यानी वो बचाता कितना है? 1.6। लेकिन क्वेश्चन में कितना बचा रहा है? 20 रुपये, यानी 1.6 किसके बराबर हो जाएगी? 20 के, और यहाँ से आप 1000 यूनिट निकाल लोगे जो उसके फादर की सैलरी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से, एक व्यक्ति, सेम क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने आय का 20% अपने बड़े पुत्र को देता है, बाकी बची हुई आय का 30% छोटे पुत्र को देता है, और फिर बाकी बची हुई आय का 10% एक ट्रस्ट को दान कर देता है, और उसके पास 10,080 रुपये बचते हैं, तो आपको उसकी सैलरी ज्ञात करनी है, टोटल इनकम होगी 100, ठीक है। 20% उसने अपने एल्डरसन को दे दी, उसके बाद बचे 80, इसमें से 30% उसने बचे हुए में से उसने 30% अपने छोटे बेटे को दे दिया, यानी बचा 56, ठीक है। बचे में से उसने 10% ट्रस्ट को दे दिया, यानी बचा इतना, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में कितना बच रहा है? 10,080, तो ये यूनिट बराबर होगी आपके 10,080 की, और वहाँ से आप 100 यूनिट निकाल लोगे जो आपने उसकी आय मानी थी, यानी उसकी सैलरी आ गई 20,000 रुपये। ओके, क्वेश्चन नंबर 55 यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या कह रहा है? मेरी आय 20,000 है और मैंने उसमें से 80% खर्च कर दिया है। अब मेरी आय 20% बढ़ जाती है और मैंने अपना खर्च 5,000 रुपये बढ़ा लिया, तो आपको ये बताने हो कि उसकी बचत में कितनी प्रतिशत का बदलाव आएगा, ठीक है। तो 20,000 मेरी सैलरी थी, 16,000 मैंने खर्च करे, यानी मैंने बचाए 4,000 रुपये। अब मेरी सैलरी 20% बढ़ जाती है, यानी 4,000 रुपये सैलरी बढ़ गई है, यानी सैलरी होगी 24,000। तो मैंने खर्च 5,000 बढ़ा लिया, यानी खर्च करने लगे हैं 21,000। तो यहाँ पे आप बचत कितनी कर पा रहे हो? 3,000 की, ठीक है। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है बचत में? 1,000 का, किस पे? 4,000 × 100, ठीक है। तो 25% का बदलाव आएगा उसकी सैलरी। क्वेश्चन नंबर 58, एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:1 है, 75% लड़कों और 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो इसमें से कितने ऐसे बच्चे जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, ठीक है। तो 4:1 रेशियो है गर्ल्स और बॉयज़ का, तो हमने 400 और 100 ले लिया, ठीक है। अब इसमें से 75% को स्कॉलरशिप मिल रही है, यानी 300 को मिल रही है, 400 का 75% हो गया 300। गर्ल्स में 70% को मिल रही है, यानी 70 को, ठीक है। तो टोटल 370 बच्चों को क्या मिल रही है? स्कॉलरशिप मिल रही है। टोटल है कितने? 500 में से 370 को स्कॉलरशिप मिल रही है, यानी कितने को नहीं मिल रही? 130 को, ठीक है। तो इस 130 को नहीं मिल रही, कितने में से? 500 में से इंटू में 100, यानी 26% बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। क्वेश्चन नंबर 59, एक इंस्टीट्यूट में 60% लड़के और शेष लड़कियां हैं, 15% लड़कों तथा 7.5% लड़कियों की फीस में छूट दी जाती है, कुल कितने बच्चे हैं जिसको 50% छूट दी जाती है? यदि यह है दिया गया कि 50% बच्चे जिनको फीस में छूट नहीं मिली, उन जो आधी फीस छूट के लिए योग्य थे, इसमें ना स्टेटमेंट में एरर है, इंग्लिश में दिया हुआ है कि 90 स्टूडेंट्स हैं ऐसे, ठीक है, जिनको फीस में डिस्काउंट मिल रहा है, ये हिंदी में स्टेटमेंट में गिवन नहीं है, तो आप स्टेटमेंट को इंग्लिश में से कर लेना, ठीक है। ओके, तो 60% बॉयज़, तो 40% होगी गर्ल्स, इसमें से 15% को छूट दी जा रही है, यानी 9 बॉयज़ को, यहाँ पे 7.5 को, यानी 3 बॉयज़ को, ठीक है, 3 गर्ल्स को, तो टोटल स्टूडेंट्स हो गए 12, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है 90,
तो 12 यूनिट बराबर होगी 90 के, 1 यूनिट निकाल ली हमने। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या गया है कि जिनको नहीं दी जा रही है, ठीक है, तो बच्चे कितने, बॉयज 760 थे ना, यहाँ से देखिए 9 को मिले, तो मिले किसको नहीं, 51 को, गर्ल्स में से 40 हैं, 3 को डिस्काउंट मिला, यानी मिले किस कितने को नहीं, 37 को। ठीक है, अब इसमें से भी दे रखा है आपको कि 50%, ठीक है, तो यानी 50% ये हो गया, यानी टोटल हो गया आपके पास 44, और आप इस 44 की यूनिट यहाँ से निकाल लोगे, यानी 330। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहे हैं कि ए बी सी की आय का योग के जो है वो 72,000 रुपये है, ए बी और सी अपनी आय का 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं, इनकी बचत का अनुपात 8, 9 और 20 है, तो ए की आय कितनी है। ठीक है, देखो 80% ए की आय है, सॉरी ए अपनी आय का 80% खर्च करते हैं, यानी बचाता कितना होगा 20%, और ये 20% किसके बराबर दे रखी है, 8 के, तो यहाँ से 100% हो जाएगी आपके पास 40 के। बी जो है वो 85 खर्च करता है, यानी बचाता 15 है, और वो दे रखा है आपको 9 के, 100 निकाल लिया हमने। ठीक है, सिमिलर सी, ठीक है, सी आपका 75% खर्च करते हैं, यानी बचाता है कितना है 25, 25 किसके बराबर दे रखा है 20 की, यानी 100 निकाल ली 80, यानी इनकी सैलरी आ गई आपके पास 40, 60 और 80, यानी 180 तीनों की सैलरी मिला के, लेकिन आपको इनकी सैलरी दे रखी है 72,000, आप यहाँ से ए की सैलरी जो कितनी है 40 है वो आप यहाँ से निकाल लोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61, एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार से बांटा जाता है कि पहले संख्या का 80% दूसरी संख्या के 60% से 3 ज़्यादा है, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 3 है। ठीक है, यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लोगे, परसेंटेज का सिंबल हटा दोगे तो आपके पास ये क्वेश्चन आ जाएगी। दूसरी कंडीशन दी गया है 80% पहले भाग का 90% से 6 अधिक है, यानी अब डिफरेंस है 6, इसको भी सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, और दोनों को सॉल्व करके आपके पास ए और बी आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62। एक शहर की जनसंख्या में से 45% आदमी और 25% औरतें शादीशुदा हैं, यह मानते हैं कि किसी भी आदमी और औरत की एक से ज़्यादा शादी नहीं हुई है, तो आपको ये बताना है कि कुल जनसंख्या में से कितने प्रतिशत लोग शादीशुदा हैं। तो गांव की पॉपुलेशन होगी 100, मैन हो गया आपके पास एक्स, टोटल वुमेन्स हो जाएगी 100 माइनस में एक्स, मैरिड मैन कितने हो जाएंगे, जितने भी मैन है उसमें से 45%, यानी इतने वुमेन होगी आपकी, इतनी मैरिड होगी। ठीक है, अब यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास पुट करके मैरिड मैन और यहाँ से मैरिड वुमेन आ जाएंगी, यानी टोटल पर्सन जो मैरिड है वो इतने हैं, कितने में से, 100 में से, तो यहाँ पे आपके पास आ गया कि मैरिड परसेंटेज कितनी है, 32.14। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 के कह रहा है किसी गांव में दो तिहाई पुरुष तथा शेष महिलाएं हैं, पुरुषों की संख्या का 80%, महिलाओं की संख्या का 70% साक्षर है, साक्षर पुरुषों का 40% और साक्षर महिलाओं का 30% ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट पुरुष का 20% तथा ग्रेजुएट महिलाओं का 25% सरकारी नौकरी करते हैं, उस गांव में नौकरी करने वालों की कुल संख्या, कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो आपको जो रेशो दिया हुआ है 2/3 पुरुष हैं, 2/3, यानी टोटल 3 है उसमें से 2 पुरुष हैं, यानी हमने रेशो ले ली 200 बाकी 100। ठीक है, टोटल 3 मेल कितने हो गए, 2, तो फीमेल कितनी हो जाएंगी, 1, और इस रेशो को हमने 200 और 100 ले लिया। ठीक है, टोटल आपके पास 300 हो गए।
इसमें से 80% यानी 140, ठीक है। उसके बाद 160, फिर इसमें से 40%, 64, फिर इसमें से 20% जो ग्रेजुएट जॉब कर रहे हैं वो हो गए इतने। सिमिलर आपको जो महिलाओं का रेशो दे रखा है, महिलाओं में से क्या दे रखा है कि 70% साक्षर हैं, यानी 70 साक्षर होगी, उसमें से 30% ग्रेजुएट हैं, यानी ग्रेजुएट होगी 21 उसमें से, और उसमें से 25% यानी इतनी जॉब करते हैं। टोटल कितने में से जॉब कर रहे हैं, 300 में से इंटू में 100, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 6.01। क्वेश्चन नंबर 64, न्यूयॉर्क में एक भवन में 700 आदमी, 500 औरतें और 800 बच्चे हैं। इनमें से 20% आदमी, 40% महिलाएं और 10% बच्चे भारतीय हैं। तो आपको ये बताना है कि कितने प्रतिशत लोग भारतीय नहीं हैं, ठीक है। तो 700 मेल, 500 वुमेन और 800 बच्चे, इसमें से 20%, 40%, 10%, यानी इतनी जनसंख्या आपकी इंडियन आ गई, ठीक है। तो इसमें से आप माइनस कर दोगे, यानी 560, 380 माइनस करोगे 720, यानी ये कौन से लोग होंगे जो इंडियन नहीं है। तो टोटल कर लिया आपने, इनका टोटल आ जाएगा 1580, कितना में से 2000 में से इसको जोड़ लेंगे, ये टोटल जनसंख्या आपकी कितनी यहाँ पे 2000, और परसेंटेज में बताना है तो 100, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ गया, 79% लोग ऐसे थे जो इंडियन नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 65, एक भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि और हर में 8% की कमी की जाती है, तो उसका मान 15 और 16 आता है। तो आपको ओरिजिनल फ्रैक्शन बतानी है, तो फ्रैक्शन होगी आपकी एक्स और वाई कोई, ठीक है। उसमें से 15% की वृद्धि करी, यानी 100 में 15% की वृद्धि कर दी, वाई में 5% की कमी करी, और इस तरह से जो फ्रैक्शन आ रहा है वो 5/2 आ रहा है। ओके, स्टेटमेंट आ रहा होगी, किसी किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि तथा हर में 5% की कमी कर दी जाती है, तो 5/2 हो जाती है, तो मूल भिन्न क्या होगा, ठीक है। तो आपके पास फ्रैक्शन हो गया एक्स और वाई, पहले में 15% की इंक्रीमेंट की है और उसमें 5% का डिक्रीमेंट की, इस तरह से आपके पास फ्रैक्शन जो आती है वो 5/2 आती है। सिंप्लीफाई करेंगे, 115 हो गया, ये 95 हो गया, और ये 5/2 है। यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा एक्स और वाई, और आपके पास नया ओरिजिनल फ्रैक्शन आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 जो है वो सिमिलर है, सॉल्व करके आप इसको खुद ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 67, एक परिवार चावल दाल आटे के लिए खर्च करता है 12, 17 और 3 का अनुपात, इस वस्तु किन वस्तुओं के मूल में 20, 30, 50 की वृद्धि हो जाती है, तो परिवार का कुल कितना खर्च बढ़ जाएगा। ओके, तो 12, 17 और 3, इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई कर ले ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी हो जाए। तो 120, 170 और 30, 20% का इंक्रीमेंट हुआ, यानी 24 रुपये बढ़ गए, यहाँ पे 30 का हुआ यानी 51, यहाँ 50 का यानी 15, इस तरीके से कितने रुपये इंक्रीमेंट हो गया, 90 का, ठीक है, 90 का इंक्रीमेंट हुआ इन सब के टोटल पे, यानी 320 पे इंटू में 100, तो ये आ गया उनका खर्चा, इतने प्रतिशत बढ़ गया है। क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 है, एक परीक्षा में ए और बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, बी को सी से 10% कम, सी को डी से 25% अधिक, डी को 500 में से 320 अंक मिलते हैं, तो ए को कितने अंक मिले, ठीक है। तो डी को मिले हैं 320, ठीक है, और सी को डी से 25% ज़्यादा, यानी कितने मिल गए, 400, हमने इसका 25% निकाल के और आप 320 में ऐड कर दोगे, ठीक है, तो हो जाएगा 400, और बी को सी से 10% कम मिलते, यानी 400 का 10% निकालोगे यानी
40 और इसमें से माइनस कर दोगे यानी बी को मिले 360, और बी को ए को बी से 25% अधिक मिलते हैं। 360 का आप 25% निकाल के और 360 में जोड़ दोगे या आप इस तरीके से निकालो तो यानी ए को कितने अंक मिले हैं, 450 अंक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 69 में है कि बिजली के बिल को निश्चित समय के भीतर भुगतान करने पर 15% की छूट दी जाती है, और अगर आप निश्चित समय में भुगतान करते हो तो उसको जो छूट है वो 54 रुपये की मिलती है आपको। तो बिजली का बिल बताना है, यानी परसेंटेज में 15% है और रुपये में 54 है, तो 15% बराबर हो गया 54 के, एक निकाल लिया और बिल कितना होगा 100%, तो यानी बिल कितना था, 360 रुपये का। क्वेश्चन नंबर 70। किसी अभ्यर्थी को एक परीक्षा पास करने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है, सभी प्रश्नों का के अंक समान है, कोई अभ्यर्थी 15 प्रश्नों में से 10 सही उत्तर प्राप्त करता है और पास हो जाता है, तो कुल कितने प्रश्न थे। ठीक है, तो 40% के लिए 10 एक के लिए निकालोगे और 100% यानी 25। ठीक है,